नमस्कार आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ सिराज हुसैन। जनाब सिराज हुसैन आईएएस अधिकारी थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 35 साल उन्होंने था और उनका आखिरी जो पोस्ट था ये केंद्र में जो कृषि मंत्रालय में सचिव थे और बीच में उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। तो जनाब धन्यवाद, आपने आपका समय हमें दिया, न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने समय दिया। आज एक अजीब स्थिति में हम हैं कि आज भारतवर्ष में और ज्यादा से ज्यादा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कोई कहते हैं 740 लाख टन, कोई कहते हैं 770 लाख टन गेहूं और चावल है। इसका वितरण करने में क्या दिक्कत हो रहा है केंद्र सरकार को? इसको जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसके पास आज रेशन कार्ड नहीं है, जो पीडीएस सिस्टम का जो बाहर है, जो पीडीएस का मतलब है जो जन वितरण प्रणाली का बाहर है, मगर वो भूखे हैं, इसमें प्रवासी मजदूर है, इनको क्यों आज मुफ्त में चावल गेहूं नहीं मिल रहे? यूपीए गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनैक्ट किया 2013 में और ये कमिट किया कि हम तकरीबन 80 करोड़ लोगों को देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड ग्रेन्स देंगे। जो अंत्योदय अन्न योजना की फैमिलीज हैं तकरीबन 2.5 करोड़, उनको कहा गया हम 35 किलोग्राम हर फैमिली को देंगे और बाकी को कहा गया कि हम 5 किलोग्राम पर पर्सन देंगे। तो ये अगर हम मिला के देखें तो साल में और बाकी अदर वेलफेयर स्कीम्स का मिला लें अगर हम, तो साल में करीब 66 मिलियन टन इसके माध्यम से जाता है। अब ये बात सही है कि 2010-11 के सेंसस के हिसाब से ये 80 करोड़ लोगों का आकलन किया गया था। उसके बाद से अभी एक्सपर्ट्स ने जो एस्टिमेट किया है, जॉन ग्रीस वगैरह ने, रीतिका खेड़ा ने, तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग और हैं इसके अलावा जिन्हें ये फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि वो 10 करोड़ लोग आज इस सिस्टम के बाहर हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो 5 किलो हर राशन कार्ड पे प्रति आदमी मिलता था उसको बढ़ा के 3 महीने के लिए 10 किलोग्राम किया और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम वो अनाज फ्री देंगे उन लोगों को। तो गवर्नमेंट ने जिनके पास राशन कार्ड थे उनको 10 किलोग्राम प्रति पर्सन वो देंगे अगले 3 महीने और जो राशन कार्ड के बाहर हैं उनके लिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, मगर मुझे लगता है कि राज्य सरकारें FCI के गोडाउन से जो OMSs के रेट है, यानी कि 21 रुपए गेहूं का रेट और 22 रुपए चावल का रेट, ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSs, यानी कि खुले बाजार में आप फूड कॉरपोरेशन अपना अनाज, आपका गेहूं, आपका चावल आप बेच रहे हैं। हाँ, उसका मकसद ये है कि राज्य सरकारें इसको उठा के बांट सकती है, लेकिन ये बात सही है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमने ये सजेस्ट किया था कि तब तक एनजीओ को और इस तरह की जो और सामाजिक संस्थाएं हैं उनको गवर्नमेंट मुफ्त में चावल दे और वो तकरीबन 1 करोड़ लोगों को हमने एस्टिमेट किया था लॉकडाउन के पीरियड में पका हुआ खाना खिलाएं। ये अगर हम करते तो शायद जो डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं उससे हम बच सकते थे। झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे लगभग 20 लाख परिवार है, इस 20 लाख में 7 लाख परिवार के पास राशन कार्ड है नहीं। आप उनको लिए टेम्पोररी राशन कार्ड कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए क्यों नहीं दे पा रहे? इसमें क्या दिक्कत है जी? इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था तो प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हर स्टेट को एक नंबर दिया गया था कि आप अपनी आबादी के इतने परसेंट लोगों को इसमें कवर कर सकते हैं। तो झारखंड में अगर हम देखें तो तकरीबन 85% लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है, यानी कि 85% लोगों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं मिलता है।
ये बात सही है कि आबादी बढ़ गई है, बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, और इस वक्त क्योंकि एक बहुत डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, तो कोई एक टेम्पररी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उनको भी ग्रेन्स दिया जा सके, ये हमने लिखा है। सबसे बड़ा सवाल है आज जो एक आर्थिक संकट के दौर से हम जा रहे हैं, ये सिर्फ महामारी नहीं है। हम जिस तरह से पिछले कुछ हफ्ता और शायद आने वाले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे, जिस तरह से एक जगह से दूसरे जगह लोग चले गए हैं, प्रवासी मजदूर, मेरे ख्याल है विश्व में कहीं ऐसा इतना बड़ा इंटरनल माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह लोग जो प्रवासी मजदूर गया, मैं समझता हूं भारतवर्ष का इतिहास में और विश्व के इतिहास में कभी हमने नहीं देखा। ये बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लेबर का माइग्रेशन हुआ है, और खास तौर से वो लोग बहुत दिक्कत का शिकार हैं जो गांव से जाके शहरों में काम करते हैं, क्योंकि वो जब अपने गांव वापस गए हैं तो उनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि उनका डिस्ट्रेस दूर हो सके। ये बात सही है, मैंने भी लिखा है कि जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक कम से कम उनको पका हुआ खाना मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन करूं। देखिए, गवर्नमेंट में ऐसी कोई फीलिंग हो सकती है कि जो हमारे पास फूड ग्रेन के स्टॉक हैं, हो सकता है आगे चल के जो अभी 3 महीने के लिए एडिशनल 5 किलोग्राम दिया गया है, हो सकता है इसको 6 महीना करना पड़े, हो सकता है इसको 1 साल करना पड़े। दूसरी बात, एक जो गवर्नमेंट में कंसर्न होगा मेरा ख्याल है वो ये होगा कि ये जरूरी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट इस साल उतना ही हो जाए जितना पिछले साल हुआ था। हो सकता है कि किसान लोग इस अनसर्टेनिटी की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रोक्योरमेंट के लिए कम अनाज लाएं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में ऐसी फीलिंग होगी और वो जस्टिफाइड है कि हमारे पास जो फूड ग्रेन है हम उसको प्रूडेंटली इस्तेमाल करें। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और खास तौर से जो माइग्रेशन हुआ है उनको जरूर मदद करने की और तत्काल मदद करने की जरूरत है। अच्छा सिराज हुसैन जनाब, मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूं जो 2 नोबेल पुरस्कार विजायक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी और उनके साथ रघुराम राजन जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने एक घोषणा किया, एक स्टेटमेंट इशू किया। एक लाइन में पढ़ के आपको सुनाता हूं अंग्रेजी में। द कॉस्ट ऑफ मिसिंग मेनी ऑफ दोज हु आर इन डायर नीड वास्टली एक्सीड्स द सोशल कॉस्ट ऑफ लेटिंग इन सम हु कुड डू विदाउट इट। ठीक है, कोई ये जो आपका जो कार्यक्रम है, कोई इसका दुरुपयोग कुछ लोग करेंगे। एक परिवार जिसको एक बार मिलना चाहिए वो 2 बार लेंगे या 3 बार मिलेगा, बट 7-8 या 10 परिवार को जो कुछ भी नहीं मिल रहे उनको मिलेगा। तो उनका कहना है दिस इज नॉट द टाइम टू स्किम ऑन हेल्पिंग द नीडी। कुछ लोग दुरुपयोग करेगा कोई बात नहीं, मगर इस समय कंजूसी करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई एक इंटरमीडियरी, कोई एक बिचौली कुछ पैसा कमा लेंगे, बट आज आवश्यक है कि आप जिसका पास राशन कार्ड नहीं है उसको टेम्पररी राशन कार्ड दीजिए और सबको आप मुफ्त में मैं बार बार कह रहा हूं मुफ्त में खाद्यान्न, गेहूं, चावल, पका हुआ खाना वितरण कीजिए। यही आज के लिए सबसे बड़ा आवश्यकता है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। नहीं देखिए, इसमें मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि एक तो लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन के पीरियड में हमारी स्ट्रेटेजी कुछ और होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनको पका हुआ खाना सप्लाई करने की जरूरत है, स्पेशली अर्बन लोकेशंस में। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, जैसा कि हो भी रही है कुछ जगहों पे, तो फिर एक अलग स्ट्रेटेजी की हमें जरूरत होगी। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए ये करेक्ट पॉलिसी होगी कि वो फ्री दे। इसीलिए आपने देखा कि जो 2011-12 के एनएसएसओ के आधार पर जो इवैल्यूएशन हुए थे पीडीएस के, उसमें ये पाया गया था कि तकरीबन 45% फूड ग्रेन्स का लीकेज है। ये क्लेम किया जाता है, यॉन ब्रीज वगैरह और लोग भी लिखते हैं कि ये लीकेज कम हुआ है तब से पीडीएस में रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन उसका कोई इवैल्यूएशन सामने नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अभी कंजम्पशन सर्वे था उसको विड्रॉ कर लिया।
इसलिए इसको रोकने के लिए हमने ये सजेस्ट किया था अपने आर्टिकल में कि आप एमएसपी के 50% पे भारत सरकार राज्य सरकारों को दे, जितना एमएसपी है उसका 50%, और अगर राज्य सरकार उसको और सब्सिडाइज करना चाहती है, वो फ्री करना चाहती है, जो भी करना चाहती है, वो एक्सपेंडिचर राज्य सरकार बियर करे। मैं आपको रोक रहा हूँ, ये कंजूसी मैं कह सकता हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं। मैं कह रहा हूँ आपका जो सलाह दे रहे हैं आप सरकारी ऑफिसर, ओके, ये भी कंजूसी है। सरकार के पास पैसा है आज? सरकार के पास तो पैसा नहीं है। अगर अनुदान देना है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहे? क्या आप वापस जाने चाहते हैं जो मेरा पिताजी और माँ के समय के ग्रेट बंगाल फैमिन 1943-83 साल का, जिस समय लोग कहते हैं 20-30 लाख लोग का भूखमरी के लिए उनका मौत हो गया था, मगर भंडार में, गोदाम में चावल का कमी नहीं थी, गेहूं का कम नहीं थे, फिर भी लोग मरे थे। Are we going to see a repeat of that situation, Siraj Hussain Jinab, कि हमारे भंडार में इतने गेहूं हैं, इतने चावल हैं, तो हमको मालूम नहीं क्या करके इसको इसको चूहा खा रहे, रैट्स एंड रोडेंट्स खा रहे, कुछ कुछ नष्ट हो जा रहे हैं, सर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कवर एंड प्लिंथ स्कीम्स है, एकदम बना हुआ पका हुआ स्टोरेज जो साइलोज होना चाहिए नहीं, और इस समय भी आप कह रहे हैं कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए। और मैं जो जो मैं अनुदान के बारे में एक और सवाल पूछूंगा, बट दिस इज माय कंटेंशन कि आप एक तरह से सरकारी अफसर के तरह देख रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम सरकारी ऑफिसर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट में क्या चीज एक प्रूडेंस डिमांड करती है, हम उसी को कहना चाहते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए एफसीआई का कई सालों की सब्सिडी का बकाया है। गवर्नमेंट उस पैसे को दे नहीं पा रही है, एफसीआई उसको नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से बोरो कर रहा है। इसलिए अगर सेंटर और स्टेट मिलके इसको करेंगे तो डाइवर्जन भी रुकने की संभावना होगी और आइडेंटिफिकेशन भी बेटर होगा। देखिए, इस वक्त समस्या ये है कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है या जो लोग जरूरतमंद हैं, उनको कैसे आप इतनी जल्दी से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाएं। इसलिए हमने ये लिखा था कि आप आधार कार्ड के बेसिस पे, अगर राशन कार्ड नहीं भी है तो आधार के बेसिस पे आप उनको इश्यू कर दें। वो मेरा एक सजेशन है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार से डिमांड कर सकती हैं कि इससे भी कम पे दीजिए, तो वो डिमांड करें। आप देखिए, केरल की सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के रेट पे भारत सरकार से चावल लेके अपने लोगों को कुक फूड दे रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को ओएमएसएस के रेट को कम कर देना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि हमारे हिसाब से आप देखिए 1925 रुपए गेहूं का एमएसपी है, अगर आप 50% लेंगे तो 9.5 रुपए आएगा। तो ऑलरेडी जो हमने लिखा है, हम समझते हैं कि प्रूडेंस उसमें है। अच्छा सिराज हुसैन जी, मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने दे चाहता हूँ, ये जान रीस के साथ बातचीत करने के बाद हमें मिला है। पहला बात है, आपने ये अनुदान की बात कह रहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने बजट में कम कर दिया। आपका 2019-20 वित्तीय साल में जो बजट का जो एस्टिमेट था 1.51 लाख करोड़ आपका बजटरी प्रोविजन था, ये घट के 2020-21 जिस वित्तीय साल अभी शुरू हुई है, ये आपने 78,000 करोड़ रुपया दिया। और आप फूड कॉरपोरेशन, जैसे आपने कहा, बोल रहे हैं आप नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड और आप ऋण ले लीजिए, तो केंद्र दिखाने चाहते हैं अपने खाता में हम वित्तीय घाटा कम करने चाह रहे हैं। जॉन रीस कहा कि आप किस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जो सब्सिडी, जो अनुदान आप कैलकुलेट कर रहे हैं जिस समय आप खाद्यान्न वितरण करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ रिलीज, इसमें यातायात का खर्चा आता है, स्टोरेज रखने का खर्चा होता है, जो नष्ट हो जाता है, जो सर हो जाता है, उसका भी आप खर्च लाते हैं। तो उनका कहना है, और इस बारे में आप कहिए, कि ये बहुत ही इलॉजिकल, इसका कोई युक्ति नहीं, आश्चर्य है कि आप दिखा रहे, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमें 40,000 करोड़ लगेगा अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ज्यादा जो गेहूं और चावल का स्टॉक है ये हम वितरण कर देते हैं पीडीएस में, जो 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 जन जो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो जन वितरण प्रणाली है। तो उनका कहना है, आप क्या बजट का खाता में क्या दिखाने चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट,
देश के लिए सेवा हो रहे हैं कि ये जो खाद्यान्न फूड कॉरपोरेशन का गोदाम में है इसका जो सामाजिक जो खर्चा है ये तो बच जा रहे, ये एक्सेस स्टॉक्स है, एक्सेस फूड ग्रेन है, ये तो कम हो रहे, तो आपका इसमें भी तो कुछ पैसा बच जाएगा। आप क्यों अपना वित्तीय घाटा के बारे में सिर्फ देख रहे हैं? आप कुछ कहिए इस पर, इस विषय के ऊपर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, ये बात सही है कि इकोनॉमिक कॉस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में भी इस बात का एप्रिसिएशन है कि इस वक्त लोगों को मदद की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा के एंटाइटलमेंट को 10 करोड़ किया 3 महीने के लिए। हो सकता है वो उसको और बढ़ाएं। मैंने जो कैलकुलेशन करके आर्टिकल लिखा था उसमें मैंने अज्यूम किया था कि 6 महीने के लिए ये एक एडिशनल एलोकेशन होगा। इस वक्त जो समस्या राज्य सरकारों के सामने और केंद्र के सामने है, मैं समझता हूँ वहां भी इसके बारे में थिंकिंग हो रही होगी कि कैसे इन लोगों को हम आइडेंटिफाई जल्दी से करें और उनको मदद पहुंचाएं। मुझे ये लगता है कि अगर हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो ये लोग जो शहरों से माइग्रेट होके अपने गांव चले गए हैं, ये शहर में आएंगे और 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, तो सरकार के पास ये वक्त है कि इस बीच में वो इसकी कोई ऐसी व्यवस्था बना ले कि जब ये वापिस आते हैं शहरों में तो इनको या तो फूड ग्रेन सप्लाई करे सरकार, या फिर डीबीटी के माध्यम से कैश सप्लाई करे जिससे कि वो सीधा अपना खरीद लें। डीबीटी के मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधा आप पैसा लोगों का खाता में डाल दीजिए, उनका जो जनधन योजना का बैंक का खाता है उसमें आप सीधा पैसे डाल दीजिए। अब तो कितने पैसे डाल रहे हैं? बहुत कम पैसे डाल रहे हैं, 500 रुपया आप डाल रहे 3 महीना के लिए हर महिला के खाता में। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो एक अलग चीज, हम बात इसकी कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उनको अगर सरकार ये समझती है कि उनको फूड ग्रेन सप्लाई करना, जगह बदलते रहते हैं, आज अमृतसर में है आदमी, कल लुधियाना में है, परसों मुरादाबाद में है, हो सकता है कि लॉजिस्टिकली ये बहुत मुश्किल हो। मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल है, इसलिए इस तरह के माइग्रेंट लेबर के लिए शायद एक बेहतर रास्ता हो कि सरकार जो भी फूड सब्सिडी की धनराशि है वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में दे और वो अपने बैंक अकाउंट से निकाल के जहां भी हो वहां वो अपना खाना खरीद सके। अच्छा जी, अभी मेरा वक्त खत्म हो गया, मेरा आखिरी सवाल है, सरकार कह रहे कोई भूखा नहीं जाएगा, भारतवर्ष में कोई भूख नहीं, भूखमरी में कोई नहीं मरेंगे, मगर पहले भी आपने देखा है, आज भी आप देख रहे हैं, अखबार पढ़िए, वेबसाइट पढ़िए, टीवी का चैनल में अभी भी कुछ टीवी चैनल है जो हमारे देश में जो अभी भी सच्चाई है अभी भी दिखा रहे, सिर्फ सरकार का गुणगान नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। आप खुद देखिए क्या स्थिति है आम आदमी का, जो गरीब लोग हैं, जो पता नहीं कितने किलोमीटर कितने 100 माइलों पैदल जाके एक जगह से दूसरी जगह, और कितने लोग का मृत्यु भी हो गया। आज के सामने केंद्र सरकार का क्या प्राथमिकता होना चाहिए, व्हाट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, और राज्य सरकार को क्या चाहिए? संक्षिप्त में आप कहेंगे, लेट दिस बी योर क्लोजिंग रिमार्क्स। मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है इस वक्त टॉप प्रायोरिटी वो लोग हैं, और खास तौर से इनमें वो लोग जो अपने गांवों से जाके शहरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए सरकार को बहुत जल्दी से एक्सपर्ट के साथ बात करके एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि या तो उनको फूड ग्रेन जहां वो काम करते हैं वहां सप्लाई करें, और अगर वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है या लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई ऐसे हैं जो आज किसी राज्य में है कल किसी और जगह पे है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो फूड ग्रेन पे जितनी सब्सिडी है उतना उनको दिया जाना चाहिए। जी मैं रोक रहा हूं, आज तो लॉकडाउन है, आज भी लॉकडाउन है, 3 महीने के बाद क्या होगा ये अलग बात है, इस वक्त तो कोई कहीं नहीं जा पा रहे, बहुत कम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे। हाँ जी, लॉकडाउन के पीरियड में तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि शहरों में कम से कम कुक फूड सप्लाई होना चाहिए था, और वो सरकार नहीं कर सकती, वो सिर्फ एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती थी। हमने ये सजेस्ट किया था कि इन लोगों को 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने के लिए सरकार फ्री राइस दे, वो पूरा एक्सपेंडिचर सरकार भी है। कहा जे 67,000 जो गैर सरकारी संस्था एनजीओ है, जो नीति आयोग का जो एनजीओ दर्पण प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड है, इनको आप 75,000 टन चावल अभी अभी दे दीजिए, क्योंकि आपका जो गेहूं
को से गेहूं से मैदा आटा बनाने में तो समय लगता है और 1 करोड़ लोग को तुरंत मिल जाएगा। तो ये सरकार आपका बात मानेंगे, क्या लग रहा है आपका? नहीं देखिए, सरकार ने, मैं कहूंगा कि इस हद तक बात मानी कि नीति आयोग ने बहुत सारे एनजीओ को ईमेल भेजे, हमारी भी जान पहचान के किसी एनजीओ को इस तरह के ईमेल आए, उसमें नीति आयोग से ये लिख के गया कि आपकी संस्था काम कर रही है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप ओपन मार्केट सेल स्कीम में 21 रुपए या और 22 रुपए में गेहूं या चावल ले सकते हैं। तो उन्होंने इतनी बात तो मानी कि एनजीओ के माध्यम से करने की जो पॉसिबिलिटी थी उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन वो रेट नहीं माना। देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि राज्य सरकारों को भी शायद ये चाहिए था, वो भी केंद्र से ये रिक्वेस्ट करते हैं ना कि भाई हमको फ्री दीजिए आप प्राइस, हम कैसे इतने लोगों का खर्चा अपने। राज्य सरकार तो वही मांग कर रहे हैं ना। मैंने कुछ दिन पहले सुना रामविलास पासवान जी ने एनडीटीवी में दिखा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं कि हम मुफ्त में देंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार तो कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार एक बार नहीं, बार बार हर राज्य सरकार का मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो जिस देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ते में, इन सब लोग भी एक ही चीज मांग रहे। तो कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को? कौन रोक रहा है? मोदी जी को कौन रोक रहा है? रामविलास पासवान जी को कौन रोक रहा है कि इनको मुफ्त में आप चावल और गेहूं दे दीजिए? नहीं, हमें नहीं मालूम कि राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में क्या डिस्कशन हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वाजिब एक डिमांड थी कि लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग फंसे हुए थे बहुत बड़ी तादाद में शहरों में, बहुत गरीब लोग, और हमने देखे हैं जो वीडियोस जगह जगह से आए हैं, बहुत खराब स्थिति थी, तो उनको कुक फूड मिलना चाहिए था, जो कि एनजीओ ने बहुत कोशिश की, बहुत जगह दिया भी, लेकिन जाहिर है कि एनजीओ की अपने लिमिटेशन है, वो पैसा डोनेशन से रेस करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर राइस की शक्ल में हो जाता और एनजीओ बाकी खर्चा उठाते दाल का, सब्जियों का, पकाने का और वितरण का, तो शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते और कोई भूखा ना रहता। और लॉकडाउन पीरियड के बाद क्या करना चाहिए सरकार को? यूनिवर्सल, ये पीडीएस को यूनिवर्सलाइज होना चाहिए कि सिर्फ एक एक हिस्से के लिए, सबके लिए होना नहीं चाहिए? आज इस समय में जो आज एक आर्थिक संकट के समय हम जा रहे हैं, जो कभी हम जिंदगी में नहीं देखे हैं, इस समय इज दिस नॉट द राइट टाइम जो आपकी यूनिवर्सलाइज कर दीजिए पूरा आपका पीडीएस सिस्टम, जो सबके लिए होना चाहिए जन वितरण प्रणाली? देखिए, इसमें मेरा व्यू ये है कि हमारे पास 2.5 करोड़ फैमिलीज हैं अंत्योदय वाली, तकरीबन 11 करोड़ लोग हुए हैं, उनको तो 2 रुपए और 3 रुपए में हम कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो हमारी फैमिलीज हैं उनको 2 रुपए और 3 रुपए में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने से पहले सिर्फ तकरीबन 20% लोगों को सब्सिडाइज रेट पे बीपीएल रेट पे मिलता था, बाकी को एपीएल रेट पे मिलता था। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके की कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो 2.5 करोड़ फैमिली अंत्योदय, इनको 2 रुपए 3 रुपए में मिले, इसके अलावा जो 20% पॉपुलेशन है उसको आप 25% ऑफ एमएसपी पे दें, और जो उसके बाद पॉपुलेशन है उसको आप एमएसपी का 50% लें। देखिए, ऐसा है कि आपको ये भी देखना है कि जो फूड ग्रेन्स पीडीएस के माध्यम से जा रहे हैं वो मिसयूज ना हो, वो रिसाइकिल ना हो, उसका लीकेज ना हो, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि सरकार को इसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके पीडीएस के रिफॉर्म्स की तरफ बहुत जल्दी से कोई नीति बनानी चाहिए। वही वापस मैं दोबारा खत्म करना चाहता हूँ, वो जो नोबेल पुरस्कार विजयी अमर्त्य सेन, अभिजीत सेन, रघुराम राजन जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, कि इस समय कुछ लोग ये सारे कार्यक्रम का दुरुपयोग करें, जिसको सबसे जरूरत है, कुछ लोग जिसका उतना जरूरत नहीं है वो ले लेंगे ज्यादा, कुछ बिचौली ज्यादा पैसा कमाएंगे, और इस समय सरकार का कंजूसी करने का समय नहीं है, क्योंकि लोग इतने जो जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, सरकार को और भी जो किया से और भी ज्यादा करने का जरूरत है। तो सिराज हुसैन जनाब, धन्यवाद, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, और जो आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.